विशालगढ़ गजापुर में हुए मस्जिद और मुस्लिम आबादी पर हमले के विरोध में मुमरा में ह्यूमन चेन बनाकर किया जाएगा प्रोटेस्ट। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सभी मुमरा कौसा और आसपास के इलाके के तमाम कानून प्रिय संविधान प्रिय नागरिकों से एक अपील की जा रही है, एक सूचना दी जा रही है। एक दिन पहले मीटिंग हुई है विशालगढ़ गजापुर में हुए मुस्लिम आबादी और मस्जिद पर किए गए हमले को लेकर। इस हमले को लेकर एक तरफ अतिक्रमणों के नाम पर जिस तरह से मुसलमानों के मकानों पर दुकानों पर गाड़ियों पर हमला कर तोड़फोड़ वाला आगजनी की गई, उसी तरह से गजापुर की जो विशालगढ़ से 6 किलोमीटर दूरी पर है उस पर हमला किया गया, मस्जिद की तोड़फोड़ की गई, बेहुर्मती की गई, कुरान जलाया गया, मिंबर तोड़ा गया और संविधान की रक्षा यानी हर धार्मिक स्थल की रक्षा, हर धार्मिक स्थल की रक्षा यानी संविधान की रक्षा। तो उसके बावजूद सरकार इस मामले में कार्रवाई के मामले में ढीला रवैया अख्तियार कर रही है। तो तमाम मुमरा कौसा वासियों की तरफ से राज्य सरकार पर मजबूत कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई का दबाव बनाने के लिए एक ह्यूमन चेन बनाकर के प्रोटेस्ट किया जाएगा। शुक्रवार 19 जुलाई दोपहर 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक यह ह्यूमन चेन बनेगी और सरकार से एक प्रतिनिधि मंडल के जरिए उनके प्रतिनिधि को जिला अधिकारी या मुमरा पुलिस छाने पुलिस इनके प्रतिनिधि को ज्ञापन दे करके इस संबंध में मांगे रखी जाएगी, कार्रवाई की कड़ी मांग की जाएगी। क्योंकि ये सब कुछ हुआ है प्लानिंग के तहत, एक साजिश के तहत हुआ है, तो इसमें साजिश की नई BNS भारतीय न्याय संहिता की धारा लगा करके उस तरह से इसमें जांच की जाए और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इसमें जो जानकारी सामने आ रही है कि धारकरी जो थे उन्होंने हमले किए हैं और संभाजी भिड़े उर्फ मनोहर भिड़े के शिव प्रतिष्ठान के ये धारकरी कहलाए जाते हैं। तो इस पूरे मामले की भी राज्य सरकार को गृह विभाग को जांच करनी चाहिए, न कि जो है भेदभाव बरतते हुए इस्लामोफोबिया रखते हुए इस तरह का कोई काम करना चाहिए जिससे दंगाई आतताई आतंकी बच जाए। तो आइए 19 जुलाई दोपहर 2:30 बजे समूचा मुमरा कौसा शिवली नगर से मुमरा स्टेशन तक बनाते हैं ह्यूमन चेन और करते हैं विशालगढ़ गजापुर मस्जिद और मुस्लिम आबादी के हमले का तीखा प्रोटेस्ट।